अपना काम भी कोई इदा का हो जिदे फूड छकाने वास्ते किसी की सेहत के नाल कोई खिलवाड़ ना हो। शरदाई का काम जोड़ा वा वो शुरू करिए जिद लोगों की सेहत भी चंगी हो अपने घर का जोड़ा रोज़गार भी चली जाऊगा तो गुरु पातशाह के दिते हुए सुनहरे स्रोत्र के नाल भी जुड़े रहेंगे। नौत जो कुदरत दित्तियां हुई चीज़ा ये लाल पत्थर जो धरती दिंदी आ लकड़ भी आपां नूं निमदी आ धरती दिंदी आ फिर ये सरबलोह दा बाटा जो ये भी धरती तो पैदा हुंदा लोहा। अजकल दी जिहड़ी प्रॉब्लम आ उह आपां नूं आ रही आ कि आपां नूं भुल्लण दी कि याददाश्त बहुत कमज़ोर है जी आपां भुल गए मैं फोन करना भुल गया किसी नूं जां मैनूं किसी ने गल की भुल गया मैं ये दिमाग नूं बहुत तेज़ करदी आ फिर शूगर नूं बहुत वधिया कंट्रोल करदी आ। मेन प्रॉब्लम जिवें शूगर लीवर की आ जाइए फिर लीवर की गर्मी जिहड़ी आ वो शरदाई लीवर वास्ते बहुत ज़्यादा लाहेवंद आ। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इस गर्मियों के मौसम में हर कोई जो ठंडा पीन का शौकीन होंगे किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है किसी को नींबू पानी तो कोई जड़ा है चाहता कि मैं कुछ एनर्जी ड्रिंक पीवा तो अज असी आए हैं एक ऐसे गुरु के प्यारे नाल मिलन जो कि सानू ठंडी ठंडी शरदाई पिलाते हैं। जी हाँ ये ठंडी शरदाई बनाते हैं खुद एक नैचुरल प्रोसैस जरा कि पहला पुराने जमाने यूज़ किया जाता सीगा उस नाल ये ठंडी शरदाई बनाते हैं तो आप इन्हां नाल गल करांगे की प्रोसैस है इन्हां दा बनाने का तो इन्हां तो जानांगे कि इहदे की फायदे ने कि इस शरदाई नूं किस तरह कंसैप्ट सोचा इत्थे लगाउण बारे। जी बस इदा ही पहला ड्राइवरी करते थे तो कुछ कारण करके वो मालक बिगड़ गई तो फिर असी रविंदर सिंह मेरा भाई आ तजिंदर सिंह तरन तारण तो जो कि अच चार दिन पहला चार पाँच दिन पहला गुरु चरण जा राजे ने असी इत्थे बैठे थे तरन तारण साहब असी सोचा कि कोई अपना काम करिए नौकरी तो बहुत कर ली तो अपना काम भी कोई इदा का हो जिदे कि फूड छकाने वास्ते किसी की सेहत के नाल कोई खिलवाड़ ना हो फायदा हो किसी नूं कोई इदा का काम करिए। फिर रविंदर सिंह और तजिंदर सिंह ने सलाह दी कि गुरु पातशाह दित्तियां हुई दातां जिहड़ियां ने वो सुनहरा सलोत्र अपने कोल आ ते क्यों ना कि गुरु साहब के जो दिते हुए राह चलीए तो जो तंदुरुस्ती का राज तंदुरुस्ती दियां जो चीज़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सिंघां नूं दे के गए सीगे जो सिंह लाहा लैंदे ने तो उस चीज़ का लाहा वा जां होर अमृतसर के लोग जां पंजाब के लोग ये लै सकन ते आपां शरदाई का काम जिहड़ा वा वो शुरू करिए जिहदे नाल लोगों की सेहत भी चंगी होवे ते अपने घर का जिहड़ा रोज़गार भी चली जाऊगा ते गुरु पातशाह दे दिते हुए सुनहरे स्रोत्र के नाल भी जुड़े रहेंगे। इस तरह इस तरह ने गुरमता करके फिर ये फैसला लिया। जी जिवें इन्होंने दसिया कि अजकल दे जिहड़े टाइम ते जिहड़ी कोल्ड ड्रिंक्स चलदियां ने जिहड़े कि जिहड़े हैगे ने एनर्जी ड्रिंक्स चलते हैं जिहड़े कि साडी सेहत लई बहुत हानिकारक भी होंदे ने जी ये ठंडे सानू ठंडा थोड़ी देर राहत देंदे ने बट फिर भी साड़ी ना कितने जिहड़ी सेहत ते बहुत ज़्यादा असर पाते हैं तो आप इन्होंने सानू दस्सिया कि किस तरह इन्होंने सोचा कि मैं एक जिहड़ा गुरु साहिबान गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो सानू दात दित्ती हुई है मैं उन्हूं ही क्यों ना करा उस काम नूं ही क्यों ना वधावा किसी के अंडर नौकरियां करने तो इलावा मैं खुद का काम ही क्यों ना सोचा तो सर तुसीं दस्सोगे इहदा की प्रोसैस है तुहाडा। इस विच सब तो पहला खास खास बादाम काली मिर्च हरी इलायची और सौंफ मगज और गुलाब के फूल सुकियां पत्तियां जी सारिया ही चीज़ा जड़िया कि बिल्कुल जाने टोटल ये नौ चीज़ा नौ धातां जो कुदरत दे दित्तियां हुई चीज़ा ये लाल पत्थर जो धरती दिंदी आ लकड़ भी आपां नूं निमदी आ धरती दिंदी आ फिर ये सरबलोह दा बाटा जो ये भी धरती तो पैदा हुंदा लोहा और जो छे चीज़ा आप जी नूं दसियां वो छे चीज़ा भी आपां नूं धरती दिंदी आ कुदरत दिंदी कह लईए आपां भी इंसान कुदरत दे बनाए हुए हाँ कुदरत ही कुदरत नूं ठीक कर सकती आ कि ना ये कैमिकल जो दवाइया ने तो ये चीज़ा जो खास खास आते फायदे दसी आप जी खास खास के जो फायदे ने वो माइग्रेन बहुत वधिया कंट्रोल च करती है जी। फिर आ जाइए सब तो अजकल दी जिहड़ी प्रॉब्लम आ वो आपां नूं आ रही है कि आपां नूं भुल्लण दी कि याददाश्त बहुत कमज़ोर है जी आपां भुल गए मैं फोन करना भुल गया किसी नूं
जां मैनूं किसी ने गल की भुल गया मैं, ये दिमाग नूं बहुत तेज़ करती आ, फिर शूगर नूं बहुत वधिया कंट्रोल करती आ। मेन प्रॉब्लम जिवें शूगर लीवर की आ जाइए, फिर लीवर की गर्मी जिहड़ी आ ओह शरदाई लीवर वास्ते बहुत ज़्यादा लाहेवंद आ। फिर बदाम आ जो वो अंदरले मसलों नूं बहुत मजबूत करती आ, अपनियां हड्डियां नूं कैल्शियम विटामिन जिहड़े शरीर नूं लोड़ हुंदी आ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਸ ਖਸ ਔਰ ਬਦਾਮ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ 'ਤੇ, ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੱਕ ਦਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਵਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਈ ਨੂੰ ਡਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸਲੋਤਰ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਵਾ, ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸਲੋਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਵਾਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਰਨ ਆ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਆ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਦਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਫਿਰ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਟਾ ਜਾਂ ਬਾਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਪ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਜਾਣ ਛੀਣ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਛੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਾਜ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਦਾਮ ਦੇ ਰਗੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਮਸਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛਕੇ ਖਾਧੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਈ ਠੰਡੀ ਸ਼ਰਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਢਾ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ? ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
वो किराना स्टोर तो मिलता है जी। मतलब तुहानू सोशल मीडिया के थ्रू किन्ना को लोकी करते ने प्रमोट इस जे इत्थे आ भीड़ दा राज जां ए प्यार दा राज ते ए सिर्फ तुही ए सोशल मीडिया जिहड़ा चौथा थम आ इत्थों ही मैनू ए जिन्हां लोकां नू कह लो कि जे मैं आ चीज़ लगाई आ तो यह किसी ने पीनी सी होना जो सोशल मीडिया जां आप जी जे ये ना होंगे कैमरा ना हों आप जी रिपोर्टर ना होंगे मैक ना हों इतने किसी कोई लाहा नहीं लै सकता तो ना ये मैं किसी पिया सकता हाँ सिर्फ यदा राज यही है जहाँ कारण यही है कि तुम दुनिया के सारी दुनिया च अमृतसर च पंजाब दस्या कि हाँ एक निहंग सिंह फौज जी कंपनी बाग के बाहर बैठ के एक शरदाई जो कुदरती नैचुरली जी ताकत दी आ लगा के संगत में छका रही आ तो वो दसन का जां दुनिया तक पहुँचाने का राज जिहड़ा वा आप जी आप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि साडे समाज लई जो कि चंगा सोच रहे ने जो कि बिल्कुल मतलब तुसीं देख सकदे हो नैचुरल जिहड़ी चीज़ां नाल बनाया जा रहा है ये साडे देश की जिहड़ी आने वाली पीढ़ी है उन्हां लई एक तरह का उन्होंने सेहत लई बहुत चंगी गल है जिहड़ी ये चीज़ बना रहे ने। इस तरह ही सानूं इत्थे जरूर एक बार जरूर आके तुसीं पी के खुद देखो इहदा टेस्ट किस तरह का है। तुसीं देख सकदे हो इत्थे काफ़ी शायद बहुत ज़्यादा संगत इन्हों पसंद कर दिया ने खास करके जड़े ने जिम वाले लोग ने इतने जरूर आके श्रद्धाई पीते ने तो साढ़े नाल इस वक्त मौजूद ने जड़े कि इतने के डेली कंज्यूमर ने मतलब इस श्रद्धाई के उन्होंने गलबात करते हैं कि उन्होंने किस तरह लगती है श्रद्धाई। सत श्री अकाल सर तो बहुत बहुत स्वागत है ग्रेट पंजाब टीवी ते। मैं सब तो पहला तुम्हें यही पूछांगी कि तुम्हें किस तरह लगता है ये जड़े जिम वाले मतलब मुंडिया नौजवानों लिए ये वधिया चीज़ है। ये बहुत वधिया चीज़ है। अजकल के नौजवान जिदा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते उन्होंने यह चीज़ को पीन तो बहुत वधिया है ठीक है। उस तो बाद जो बच्चे मतलब कि एक्सरसाइज लगाते हैं विल पावर बहुत ज़्यादा आती है जी एनर्जी ड्रिंक तो वधिया समय तक हाँ बहुत वधिया चीज़ हैगी। उस तो मैम ये खसखास बदाम काफ़ी चीज़ा इंक्लूड है जड़ियाँ सानू समझ तो बहर है वा मतलब इन्हों वालों भी यही दसना गया कि जो नौजवान ने जो जिम लवर्स ने उन्होंने ये सब तो वधिया जी कि प्रोटीन लेंदे ने उन्हों तो इलावा इन्हों यही लेने चाहिए शरदाई जरूर छकनी चाहिए है सरब लोह की ठंडी शरदाई जी इतने तुम देख सकते हो बाबा दीप सिंह जी का लगा हुआ इतने पूरा इतने पोस्टर लगा हुआ है तो इन्होंने दसिया भी है किस तरह है खस खस बदाम काली मिर्च मगज इस तरह इसनों बनाते ने ते इत्थे होर भी जड़े ने इत्थे हैगे ने साडे नाल मौजूद संगत ते इन्हां नूं भी जाणदे आ जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर तुसीं दसोगे कि ये सर ये शरदाई किस तरह वधिया हैगी है बाकी एनर्जी ड्रिंक्स तो? इस करके कि नैचुरल तरीके नाल बनाई गई है खसखास बदाम काली मिर्च सौंफ हरी इलायची बिल्कुल नैचुरल तरीके नाल बनाई गई है जो कि सेहत वास्ते बहुत ही वधिया आ। मैं कहना हर किसी को गर्मियों में इसका सेवन करना चाहिए है जी तो जरूर इन्हों आके प्रमोट किया जाए। सोशल मीडिया ही साड़ी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है जिन्दे थ्रू आपां अपने पंजाब के लोगों को प्रमोट कर सकते हैं जो कि साड़े देश लई काम करना चाहते ने अपने पंजाब लई जीना चाहते ने उन्होंने सानू जरूर इत्थे आना चाहिए तो एक बार जरूर इत्थे छक के जानी चाहिए है शरदाई। तो इस नाल ही मैं तुहानू इहदी लोकेशन दसदा कि कंपनी बाग के बिल्कुल ही नाल ही पैंदा है कंपनी बाग तुसी देख रहे हो ये साड़ी कंपनी बाग की स्ट्रीट है तो इत्थे ही शरदाई बनाते हैं सवेरे 10 बजे आ जाते हैं तो कम से कम ये 7-8 बजे तक होंगे ने इत्थे तुसी जदों मर्जी आके ठंडी शरदाई पी सकते हो। आप बहुत सारिया एनर्जी ड्रिंक्स पीने एनर्जी ड्रिंक्स नू छड्डो तो इस चीज़ नू जरूर आके पियो तो देखो ये किन्नी तुहानू एनर्जी आती है। तो इस नाल ही देखते रहो ग्रेट पंजाब टीवी मैं सोनिया।